देवभूमि उत्तराखंड कई सारे तीर्थ स्थलों के लिए जानी जाती है। इन्हीं में से एक हैं श्री जागेश्वर धाम जी, इसके साथ साथ नीम करौली बाबा का आश्रम। तो आइए मेरे साथ आज के इस वीडियो को एंजॉय कीजिए नैनीताल के खूबसूरत नज़ारों का, बाइक राइडिंग और बोटिंग का भी। तो भाई डेट थी 19 मई और सुबह तड़के 3 बजे ही मैं और मेरा दोस्त अपना सामान सट्टा पैक करके निकल लिए बाबा जागेश्वरनाथ और नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। अपने होम टाउन से निकलते ही सबसे पहले हमने अपने कार की सीएनजी एंड पेट्रोल फुल कराई, क्योंकि जागेश्वर तक का ये हमारा सफ़र लगभग 308 किलोमीटर का था, जिसमें लगने थे करीब 8 से 9 घंटे। दोस्तों, आपको कहीं ट्रैवलिंग पे जाना हो तो अर्ली मॉर्निंग के निकलने के कई सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन एक उसका नुकसान भी है कि नींद बहुत आती है, तो उससे निपटने का प्रबंध भी हम अपने साथ ही लेकर चले थे, और वो थी चाय, जो सबसे ज़रूरी थी हमारे ड्राइवर साहब के लिए, क्योंकि झिक्की बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सुबह के 5 बज चुके हैं, सूर्योदय होने को है और अभी हम गुजर रहे हैं हमारे बरेली शहर की सड़कों से। और ये देखिए, सुबह की मीठी नींद के चलते कुछ लोग क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। दोस्तों, आप सब ने अपने आसपास से भी मार्च से जून तक कई सारे लोगों को नैनीताल वैकेशन के लिए जाते देखा होगा। मैदानी इलाकों से पहाड़ों की खूबसूरती देखने का ये जो क्रेज है, ये यूं ही नहीं है। ऐसा क्यों है आप खुद ही चेक करें। अभी बस हम अपने पहले पड़ाव काठ गोदाम ही पहुंचे थे और पहाड़ों पे ऊपर जाते ही हर मोड़ के साथ नज़ारा बेहतर और बेहतर होता जा रहा था। तो बस हम सब ने भी म्यूज़िक का वॉल्यूम फुल किया और हर एक नज़ारे को एंजॉय करते जा रहे थे। अभी हम चल रहे हैं भवाली और कैंची धाम जाने वाली रोड पे और पहुंच चुके हैं भीमताल, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पहुंचकर हम सबको रुकना था एक अच्छे ब्रेकफास्ट पॉइंट पे, जहाँ पे कुछ पेट पूजा की जा सके और टी ब्रेक तो मस्ट है। होपफुली हमें एक ऐसी ही जगह मिल गई। क्या बात है, कहाँ पहुँच गए हम लोग? भीमताल है, भवाली। कितनी दूर है और कहाँ जा रहे हैं? कैसे जागेश्वर? जागेश्वर
94 किलोमीटर है। चौरानवे और बैठने पड़े हो थोड़ी देर, 3 घंटा और। अरे यार बैठे बैठे हालत खराब हुई यार, सूख चुके हैं। लेकिन चाय लेते ही जैसे ही हमने अपने घर से लाया हुआ नाश्ता बाहर निकाला, ओनर बोला बाहर से लाया हुआ खाना बैठकर नहीं खा सकते। फिर क्या था, हम सब ने चाय पी और फिर वहां से निकल लिए। दोस्तों अभी तक आपने खूबसूरत नज़ारों की चर्चाएं सुनी, अब थोड़ी सी चर्चा हो जाए मोशन सिकनेस की, जो कि मुझे तो भरपूर है और शायद बाकी सबको भी है। बैठो, अब तो बैठो प्रभु जी महाराज। तो ऐसा है, अब तुम जो वापसी में बढ़ो पीछे और बैठेंगे आगे। हाँ पीछे वाले आगे जाएंगे, उल्टी होए ओक दियो, ओक दियो जा रहे हैं आगे वाले पीछे आएंगे। ठीक है, बीच वाले पीछे आएंगे। हाँ होते सब वाले का पीछे आएंगे। चलो भैया चलो, लेट्स गो। आगे बैठेंगे 500 रुपए भैया, 500 रुपए बोलने में जय भैया नहीं, 500 रुपए देंगे आगे बैठने के। आगे बैठ पूरे सफर में आगे बैठने के 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। 500 में पांच मिलेंगे, 500 में 500 में आगे बैठो, 500 में पैसा नहीं है, चरा लो। अब दोबारा 500 दोबारा दिख मत जाना, फरवरी बना देंगे। ऊंचाई बढ़ने के साथ तबीयत बिगड़ने के चलते हमें कई जगह कार रोकनी पड़ी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या शानदार व्यू पॉइंट हमें एंजॉय करने को मिले, एक से बढ़कर एक। लोग यूं आए तो गंदगी जहाँ हुई है लोग आ चुके हैं। कहाँ देखो ना, जहाँ गंदगी हुई है हो जाए ना, लोग आए। दिलबाग 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 बाग भी दिखा दो जो चीज़। दिलबाग पान मसाला पानी करते गाड़ी में बैठे बैठे। हाँ जी गाड़ी वाड़ी यार पहाड़न के लिए है ना। हाँ भाई तो गई जहाँ से मैंने पहले करी, मैंने की बैग ऐसे कर लेते फोटू सही कह रहा है जी घबड़ा हो, गाड़ी में बहुत ज़्यादा बाइक तो सबसे बड़ी होती है। अच्छा हम लोग घूमते हुए हैं गाड़ी से, हम गाड़ी से सभी लोग एकदम हालत खस्ता। तो चटा यार चटा, अरे हम बॉडी दिखा रहे हैं अभी रॉकी भाई जय वो नंबर लगा लो भैया, आप तो ना उतरा हुए बाल बढ़िया है। मैं हूँ आज का राजा। अब ये काल है वो एकदम बुरो हाल रखो कसई, एक एक करके सब बारी बारी से। अरे जे वो कर रहे थे हम लोग तैयारी, फिर आप हो गए थे हम लोग चले गए तालो जो कूद के तालो ऊपर कानन आवाज बत्ती जो होगी आप तुम मन और वो कर लगते ऐसा है भैया शक्ल दिखाइए तेरा, 5-6 बजे का हाल चल रहा है। अरे बड़े बुरे हाल है, 6-7 पल्स लगी, पल्स लगाओ पल्स खाई पल्स घर के एक थोड़े बहुत बचे हुए हैं। बैठो आइए हम एक नई चीज का आगाज करते। चलिए बिना देर के हुए अब आपको ले चलते हैं बाबा भोलेनाथ के दरबार की ओर। कुछ ही देर में हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर और यहाँ का रास्ता जो था वो पूरा नीचे की तरफ ही जा रहा था,
जहां एंट्री से पहले एक कार पार्किंग की भी सुविधा दे रखी थी। अपनी कार को पार करने के बाद हम चल दिए मंदिर की ओर, लेकिन मुख्य मंदिर की दूरी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है, तो आपको टैक्सी लेनी होगी जो कि आपको आसानी से यहीं से मिल जाएगी, जिसका चार्ज 20 रुपये पर पर्सन यहाँ से रहता है। टैक्सी से उतरने के बाद हम चल दिए मुख्य मंदिर की ओर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड की गोद में बसे महादेव के पवित्र स्थान श्री जागेश्वर धाम में। यूं तो मेरा मन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा शुरू करने का भी था, लेकिन महादेव ने कहा, बेटा जहां से मेरा पूजन लिंग के रूप में सर्वप्रथम हुआ हो, क्यों ना उसी से तुम्हारी शुरुआत करी जाए। तो बस महादेव की कृपा हुई और सारी दिक्कतों के बाद हम आ पहुँचे इस खूबसूरत जगह पर। हिमालय के बीचों बीच बसे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम जैसे स्थान अपनी खूबसूरती का एक विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन हिमालय श्रेणी के अंतिम हिस्सों में बसा ये श्री जागेश्वर धाम भी अपनी अलग ही छवि रखता है। आइए अब आपको ले चलते हैं यहाँ पर मौजूद ब्रह्मकुंड की ओर, जहाँ पर बोला जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर स्नान किया था, इसीलिए यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु इस ब्रह्मकुंड में आकर स्नान करते हैं। ब्रह्मकुंड में स्नान आदि करने के बाद हमने अपना सामान पास की ही प्रसाद की दुकान पर रख दिया। मंदिर में जैसे ही हम एंटर करते हैं, आपके लिए जूते और चप्पल का स्टैंड देखने को मिलेगा। वहीं हमने अपने जूते और चप्पल उतारे और हाथ और पैर को धोने के बाद हमने पास की ही दुकान से प्रसाद ले लिया, जो आपको 101 रुपये, 151 रुपये आदि तक का मिल जाता है। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने पर यहाँ पर रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, जिसमें आने वाले लोगों की संख्या और मोबाइल नंबर आदि की जानकारी ले ली जाती है। उत्तराखंड का ये जागेश्वर धाम वो धाम है जहाँ सबसे पहले लिंग के रूप में महादेव की पूजा की परंपरा शुरू हुई थी। जागेश्वर को भगवान शिव की तपोस्थली भी कहा जाता है। यह मंदिर खासकर भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। जैसे ही मंदिर में आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर 2 भव्य मंदिर नजर आते हैं, जहाँ पर भगवान जागेश्वर विराजते हैं। यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 124 छोटे और बड़े मंदिरों का समूह है, जो अपने आप में बहुत ही खास है।
प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर के पुजारी हमें बताते हैं कि स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य पुराणों में भी इस मंदिर का वर्णन मिलता है। लिंग पुराण में भी इस मंदिर की नक्काशी, शिलालेख, वास्तुकला का भी जिक्र है। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में यहीं इसी धाम से शुरू हुई थी। यही वजह है कि जागेश्वर धाम को ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इसके बाद ही भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा शुरू हुई। यहाँ पर भक्त रुद्राभिषेक के साथ पितृ इत्यादि की पूजा पाठ भी करा सकते हैं। यहाँ पर कई अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर पूरे परिसर में देखने को मिलते हैं और यहाँ पर हमने उनके दर्शन भी किए थे। जागेश्वर में भगवान शिव के मुख्य मंदिर के अलावा कुबेर जी का भी मंदिर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कुबेर मंदिर समूह। आइए अब आपको ले चलते हैं उस मंदिर की तरफ। दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रेगुलर इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए हमारे चैनल टॉक एंड टूर के लिए सब्सक्राइब करें।